बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हम लिव्स के ऊपर बात करेंगे कि लिव्स किस किस्म की कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है। ओके, तो इसको हम स्लाइड शो पे कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये जो है ना हमारा बीएस का प्रोजेक्ट है, लिव्स के ऊपर हमारा काम था, और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल था क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मार्बल्स यूजिंग लिव्स। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि लेट से हमारा जो सब्जेक्ट है वो मार्बल्स है। ठीक है, हमने चार मार्बल्स के ऊपर काम किया है और हम चार मेंबर्स थे। ठीक है, और हमने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। बेसिकली हमारा जो काम था वो एलिमेंटल एनालिसिस था, कि हमने बताना था कि उन मार्बल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फिर हमने उनको आइडेंटिफाई किया, फिर हमने देखा कि उनमें से टॉक्सिक कौन से रेडियो एक्टिव हैं, कौन से हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंट इनमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह आगे मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो लिप्स क्या है, बेसिकली लिव्स क्या है? ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट इसके ये है कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि लिव्स क्या है और हमने लिव्स को क्यों चूज किया। आउट ऑफ अमंग ऑल अदर कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, बहुत ज्यादा कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स है, हमने लिव्स को ही क्यों चूज किया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगी, सेकेंड में मैं बताऊंगी कि लेजर मैटर इंटरेक्शन क्या है। लिव्स का ना ये एक प्रिंसिपल होता है, लेजर मैटर इंटरेक्शन। ठीक है, तो हम उसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पे मैं बताऊंगी कि इस टेक्निक में, ठीक है, या इस एक्सपेरिमेंट में जो जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं, जो जो एपरेटस यूज हुआ है, उनके बारे में बताऊंगी, और वो वर्क किस तरह करता है, उसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ पर हम बताएंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, आई लेट यू नो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। हमें जब स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, वहां से हम किस तरह देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो सारा मैं बताऊंगी। ठीक है, और लास्ट में हम इसके रिजल्ट डिस्कस करेंगे और कंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि लेजर इंट्रोडक्शन टू लिब्स। ठीक है, लिब्स क्या है? लिब्स जो है वो एक्रोनिम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, ये एक एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की काफी टाइप्स हो सकती है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। ठीक है, तो ये एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप है जो कि हाई एनर्जी की पल्स लेजर लाइट को यूज करती है। ठीक है, उस पल्स लेजर लाइट को हम क्या करते हैं, सैंपल के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं। जब हम उसको सैंपल के ऊपर बम्बार्ड कराते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, यहाँ पे प्लाज्मा फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अंदर क्या हो रहा होता है कि एटम्स जो है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम लेजर लाइट को ऑफ करते हैं, तो वो वापस वहां पे कोल्ड प्लाज्मा जनरेट होता है, और वो वापस इलेक्ट्रॉन जो है ना अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आते हैं, ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, और साथ ही साथ वो करेक्टरिस्टिक लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, ये लाइट जो है ये ऑप्टिकल फाइबर इसको कैप्चर करती है, इसे कैरी करती है, और ये रिफ्लेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ अ मिरर। ठीक है, फिर ये पास करती है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर और ये जाती है स्पेक्ट्रोमीटर में। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर में डिफरेंट ग्रेटिंग्स लगी हुई होती हैं, जो कि इस लाइट को देखिए स्प्लिट कर दी है इन्होंने 7 कलर्स में, विजिबल रीजन में हमारे पास आके। अब ये लाइट जो है वो हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में आ जाती है, आप इसको सॉफ्टवेयर से गुजारो तो ये ग्राफ की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ से हम इस ग्राफ को देख के एनालाइज करते हैं कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी इंटेंसिटीज क्या है, फला फला। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा इंट्रो कि लिब्स होती क्या है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कंपैरिजन विद लिब्स। अच्छा, जो हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी काफी ज्यादा टाइप्स हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहली जो सबसे कॉमन सी टाइप है वो फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम टिपिकली एक फ्लेम को यूज करते हैं जो कि एक्साइटेशन सोर्स के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, वो एटम्स को एक्साइट कराता है और एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस जब अपनी ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो कोई लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स है। फिर आ जाती है एक्सरे फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम जो एक्साइटेशन सोर्स होता है ना वो एक्सरेज होती है। ठीक है, जब वो एटम के ऊपर जाती हैं तो यहाँ पर इनिशियल ट्रांजिशन हो रही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर शेल्स की तरफ जाते हैं, फिर उन इनर शेल्स को फिल अप करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, और जो वेवलेंथ ये इमिट करते हैं वो एक्सरे रीजन में होती है। ओके, उसे हम कहते हैं आई थिंक करेक्टरिस्टिक एक्सरेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसमें जो एक्साइटेशन सोर्स होता है वो हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम होती है। ओके, और इसमें भी इनिशियल ट्रांजिशन हो रही होती है, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स जो लाइट हमारे पास निकलती है एज अ रिजल्ट, वो
करेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहलाती हैं, ठीक है, वो एक्सरे रीजन में लाई कर रही होती है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स। अब हम देखते हैं कि लिप्स क्या होती है, ठीक है। लिप्स हमने क्यों चूज की? देखिए, लिप्स हमने इस वजह से चूज की क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिनिमम डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। जब हम सैंपल के ऊपर लेजर लाइट को बम्बार्ड करवाते हैं, ठीक है, हाई एनर्जी की लेजर लाइट को, तो वहां पे माइक्रो प्लाज्मा जनरेट होता है जो कि 10^-6 मीटर में होता है। ओके, यानी, और ऐसा फील भी नहीं होता कि वहां पर कोई स्क्रैच भी आया है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये जो टेक्निक है ये मोस्टली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक ही है। सेकंड पर ये कि ये मल्टी एलिमेंट एनालिसिस हमें देती है, ठीक है, आप एट अ टाइम काफी ज्यादा एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है, तकरीबन सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जिनमें लाइट एलिमेंट्स शामिल हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, लिथियम को भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है इस टेक्निक की वजह से, और जो हैवी एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम है, ठीक है, हमने उसको भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ये तकरीबन सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर देती है और एट अ सेम टाइम हमें ग्राफ की सूरत में हमें दे देती है, ठीक है। ओके, थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि ये पोर्टेबल है, इसका जितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सारा पोर्टेबल है, आप किसी भी जगह इसको लेके जा सकते हैं। और अब तो हमारे पास इस तरह की मशीन्स आई हुई हैं कि जो लाइक हैंड मशीन्स हैं, आप उनको हाथ में ही उठा के लेके जा सकते हैं, देख सकते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं सैंपल्स का। फोर्थ पॉइंट इसका ये है इसकी वर्सेटिलिटी, यानी ये तकरीबन हर किस्म के सैंपल को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती है, हर सैंपल पे काम कर सकती है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड पे हमने जिस तरह मार्बल पे काम किया है, लोग रॉक्स पे भी काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह मेडिकल की फील्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम बोन्स के सैंपल्स भी उस पर भी काम करती है और टीथ पर भी काम करती है। अगर लिक्विड सैंपल्स की बात करें तो ये ब्लड सैंपल्स पे काम करती है, यूरिन पे, वाटर पे, कोई मार्शी एरिया का कोई वाटर है, गंदा पानी है, आप देख सकते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। गैसेस पर भी काम करती है और एरोसोल्स पे भी काम करती है। एरोसोल्स जो हैं वो कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में सस्पेंडेड होते हैं। मतलब इस टेक्निक के इतने ज्यादा यूजेस हैं, इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि हमें ये टेक्निक चूज करनी ही पड़ी, ठीक है। और मजे की बात बताऊं, ये एमएस का प्रोजेक्ट था, ठीक है। हम जब मैम ने हमें कहा था ना कि आप प्रोजेक्ट चूज करें अपने लिए, आप अगर अपने पास से कोई चूज करना चाहते हैं तो बताएं, तो हम गए जी रिसर्च रूम में, ठीक है, और वहां पर हमने थीसिस पढ़े। उस टाइम हमें बीएस का मिल नहीं रहा था तो हमें एमएस के पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो पीछे हमने प्लाज्मा फिजिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ था, हमने इसको पढ़ा, इसका सिर्फ इंट्रो पढ़ा, पहला पेज ही पढ़ा, मुझे इतना एक्साइटिंग लगा कि मैंने अपने ग्रुप को कहा कि हमने यही करना है। और उसके बाद वो सारा टाइम मुझे कोसते रहे कि तुमने क्यों ये चूज किया, ये मुश्किल प्रोजेक्ट है, ये एमएस का प्रोजेक्ट है, तो बहुत ज्यादा कोसते रहे मुझे इस बात पे। बट स्टिल मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने बताया, मैक्सिमम काम मुझे करना पड़ा। ये प्रेजेंटेशन जो है वो मोस्टली मैंने ही बनाई है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो हाथ ऊपर कर लिए थे, भाई हमसे नहीं हो रहा, हमें ना कहो ज्यादा। लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने इसको जो है ना सही साबित करके दिखाया कि वाकई, और सब प्रोजेक्ट्स में से बीएस के एब्लेशन के और एनीलिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली टीचर्स के पास, लेकिन मैं ये डिफरेंट प्रोजेक्ट लेके आई। मैंने मैम को कहा नहीं, हमने एमएस का प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, और इसमें हमें सक्सेस भी हासिल हुई, हमारी प्रेजेंटेशन की इतनी तारीफ हुई माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, हमारी मैम भी बहुत खुश थी हमसे। तो ये जो लिप्स है ना, ये वाकई एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसके बहुत ज्यादा इसके एडवांटेजेस हैं। फिफ्थ पर ये है कि आपको सैंपल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इतना बड़ा बेनिफिट है ना, इतना बड़ा बेनिफिट है। देखिए, आपके पास सैंपल रेडिली अवेलेबल है, आप कोई भी पत्थर लें, आप केवड़ा जा रहे हैं वहां पे माइंस में, देखिए आप कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उनके अंदर, ठीक है। फिर जिस तरह खून का टेस्ट करना होता है, आप घर बैठ के इस टेक्निक के जरिए खून का टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो आपको कोई सैंपल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऑन दी अदर हैंड, जो हमारी बाकी दोस्तें कर रही थी, वो क्या कर रही थी वाला, वो जी सैंपल प्रिपेयर कर रही थी, एक सैंपल प्रिपेयर किया, नहीं खराब है, इसकी थिकनेस ये नहीं होनी चाहिए, नहीं आपने इसको ज्यादा, वो जो मटीरियल होता है जो हमारे पास, जिस तरह जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, आपने उसको ज्यादा क्रश कर दिया है, आपने इसको इतना पाउडरी फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। फिर बहुत बार आपको सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है, उसकी खपत होती है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मैंने एक सर्वे किया, मैंने अपने फ्रेंड से जाके पूछा कि तुम लोगों का कितना कितना खर्चा हुआ इस पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि पर पर्सन हमारा 6,000 लगा है, ठीक है।
और अगर पूरे ग्रुप का देखें एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 20,000 to 25,000 खर्चा हुआ था। ठीक है, करेक्टराइजेशन करवाना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लेके जाके, फिर सैंपल्स बनाना, ठीक है, उसके लिए मटेरियल्स इकट्ठे करना। तो ये टेक्निक हमें बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ी है, पता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। इवन हमें किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं जाना पड़ा, कोई करेक्टराइजेशन करवाने भी नहीं जाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और मजे की बात बताऊं, हमने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट देख के अपना एक्सेल का काम स्टार्ट कर दिया। हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमारे पास पड़ी हुई है लैब में, इंस्ट्रूमेंटेशन पड़ी हुई है, बट स्टिल हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसको बनाने के लिए। इवन हमने बस लाइक कहते हैं ना कि सरसरी सा यहाँ से देख के वहाँ से देख के यूट्यूब से वीडियोस देख के कर लिया। हमारी सीनियर और मैम ने जाके किया था एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने हमें वीडियो दिखाई इसकी कि इस तरह होता है। क्योंकि ये जो टेक्निक है मैंने बताया, जिस तरह MS का प्रोजेक्ट है, तो ये डिफरेंट लैब से आपको जाके करवानी पड़ती हैं, एटॉमिक की होती हैं लैब, ठीक है, वहाँ इस तरह हमें नहीं जाने देंगे BS के बच्चों को। तो इस वजह से ये हमें बहुत ही ज़्यादा चीप पड़ा, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत बेहतरीन टेक्निक है। फिक्स पे ये है कि ये रैपिड एनालिसिस करता है, लाइक रैपिड एनालिसिस करता बस। अच्छा, तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब हम इसके प्रिंसिपल की तरफ आते हैं कि लेज़र मैटर इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। मैंने पहले इंट्रो में भी बताया था, अब इसके थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखिए, जब एक पल्स लेज़र लाइट जो है वो सैंपल के ऊपर फॉल करती है ना, तो वो थोड़ा सा एरिया वहाँ पे ना एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बहुत छोटे से एरिया में होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइक्रो प्लाज्मा जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा है, हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट आयन्स होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इनमें न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स जो हैं, कुछ वो उसके ऊपर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्रेटर्स बनना शुरू हो जाते हैं। थर्ड पे क्या होता है कि अब देखें, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो जाता है, ठीक है। जिस जगह पर प्लाज्मा जनरेट हो रहा है उस टाइम पे हम उसको हॉट प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, उतना ही कम होता है, ठीक है। तो आउटर प्रेशर जो है, हमें पता है प्रेशर जो है हमेशा हाई टू लो मूव करता है, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है, और हाई टू लो प्रेशर के मूव करने की वजह से यहाँ पे शॉक वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है। ये शॉक वेव्स जो हैं जनरेट होती है हमारे पास, और यहाँ से प्लाज्मा जो है बेसिकली कोल्ड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद प्लाज्मा के कोल्ड होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, कुछ ग्राउंड स्टेट में आते हैं और कुछ लोअर एनर्जी लेवल्स में आते हैं, ठीक है, और वहाँ पे प्लाज्मा कोल्ड होना शुरू हो जाता है। और यहाँ से हमारे पास करेक्टरिस्टिक लाइट वेव्स निकलती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं वो, और वो आगे ऑप्टिकल फाइबर उनको लेती है और साथ में हमारे ग्राफ बना के दे देती है, ओके। लिप्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेटअप, अब हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे, इसको मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगी। इसमें बेसिकली एक सैम्पल चेंबर होता है, हमारे पास फोकसिंग ऑप्टिक्स होती है, ठीक है, और हाई एनर्जी पल्स लेजर लाइट होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है वो NDAG लेजर है, ठीक है। NDAG लेजर हमने 1064 नैनोमीटर पर यूज़ किया है, ठीक है, और हमने 100 मिलीजॉल एनर्जी पर इसको यूज़ किया है। पहले हमने 190 पे किया था, अब हमने 100 पे थोड़ा एनर्जी को थोड़ा कम कर लिया। उसकी पल्स ड्यूरेशन जो है वो नैनो सेकंड रिजीम में होती है, नैनो सेकंड में ही ये सारा पल्स जो है अपनी जनरेट करती है। अब NDAG जो है, इसकी बीम क्वालिटी और फोकसिंग के बारे में ये है कि इसकी जो बीम क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका रेपिटेशन रेट 1 to 10 हर्ट्ज हमने यूज़ किया है, उस रेट पर ये रिपीट करती है, ओके। क्यू स्विचिंग हमने यूज़ किया, क्यू स्विच्ड NDAG लेजर लाइट यूज़ की है, यानी हमने पल्स लेजर लाइट यूज़ की है, ठीक है। क्यू स्विचिंग टेक्निक के जरिए हम लेजर लाइट को पल्स बना सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा शार्प बना सकते हैं, ज़्यादा इंटेंस बना सकते हैं, और कॉन्टीन्यूस लेजर लाइट जो है वो इतनी इंटेंस नहीं होती, इसीलिए हमने कॉन्टीन्यूस उस पर नहीं यूज़ किया मोड में, हमने क्यू स्विच्ड लेजर लाइट यूज़ की है, ओके। और कूलिंग मैकेनिज्म्स इस NDAG लेज़र के अंदर वैसे ही लगे हुए होते हैं। हमारा जो रूम था ना, वो जो जगह थी जहाँ पे हमने लेज़र को रखा हुआ था, वो जो है वहाँ पे AC लगे हुए थे उसको कूल अप करने के लिए, ओके। इसके अंदर भी AC लगे हुए होते हैं, AC नहीं, लाइक कूलिंग सिस्टम होता है इसका, ताकि ये कूल रहे। स्पेक्ट्रोमीटर फंक्शंस एंड फीचर्स, स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है इस इंस्ट्रूमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का, बिकॉज
इसमें क्या होता है, हमें इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है इसकी वजह से. मैंने आपको बताया था जब लेजर लाइट स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आती है तो क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट ग्रेटिंग्स होती हैं. हमने जो है वो ओशन ऑप्टिक्स का 4000 प्लस रेजोल्यूशन वाला यूज़ किया था, ठीक है. और ये जो है हमें यूवी से विजिबल रीजन तक हमें लाइट देता है, लाइक वेवलेंथ देता है. जैसे मैं आगे आपको स्पेक्ट्रा दिखाऊंगी, उसमें 200 से 800 नैनोमीटर तक हमारी रेंज थी, ठीक है. और इसकी रेजोल्यूशन भी बहुत हाई होती है और ये बहुत सेंसिटिव होता है, छोटे 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 पीक्स को भी आइडेंटिफाई कर लेता है इजीली. स्पेक्ट्रोमीटर हो गया. अब डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेस. अब हमने डेटा किस तरीके से एक्वायर किया, बेसिकली देखें, हमने डेटा इस तरीके से एक्वायर किया. हमें तो डेटा मिला हुआ, हमें तो डेटा जो है वो बना बनाया मिला था, ठीक है. हमें सिर्फ ग्राफ मिले थे. तो हमने क्या किया आगे, हमने बेसिकली ये किया कि हमने उन ग्राफ को एनालाइज करना था, ठीक है. और हमने उनको डिफरेंट डेटाबेस से कंपेयर करना था, क्योंकि जो हमारे पास डेटाबेस होती है ना, जिस तरह निस्ट है, कुरकुस है, ये डेटाबेसेस होती हैं, इनमें जो है वो स्टैंडर्ड डेटा पड़ा हुआ होता है. उन्हें पता होता है ये पीक किस उस लाइन की है, ठीक है. जिस तरह आगे मैं बताती हूँ कि ये उसकी स्पेसिफिकेशन होगी डिफरेंट, कि फोकल लेंथ हमने क्या यूज़ किया है, पल्स ड्यूरेशन क्या यूज़ की है, एनर्जी हमने कौन सी यूज़ की है, टाइम डिले क्या था, टाइम डिले के बारे में भी बताती हूँ. और साथ में स्पॉट साइज उसका हमें कितना मिला, कितना वो छोटा स्पॉट था या कितना बड़ा स्पॉट था. ये हो गया इसका इंस्ट्रूमेंटेशन और सेटअप. देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, लेजर लाइट जो है वो मिरर से जाके रिफ्लेक्ट करती है और वो फोकसिंग लेंस से जाती है. फोकसिंग लेंस उसको फोकस कर लेता है लाइट को, और फिर उसको सैंपल के ऊपर बम्बार्ड कराता है, ठीक है. अब जो सैंपल है वहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा जनरेट होना शुरू हो जाता है, और मैंने अंदर का प्रोसेस सारा आपको बता दिया है. यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक लाइट निकलती है जो कि हर एलिमेंट के लिए एक ही होती है, ठीक है. यानी वो उसके फिंगरप्रिंट होती है, किसी एक एलिमेंट की दूसरी वाली नहीं हो सकती. ये लाइट कलेक्टर होता है और ये लाइट कलेक्ट करता है और स्पेक्ट्रोमीटर को जाके देता है, ठीक है. स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास ICCD लगा हुआ होता है और इसका काम होता है कि ये ना हमें स्पेक्ट्रम जनरेट करके देता है, ठीक है. अब ये जो है वो हमारे पास जाता है PC की तरफ, यहाँ से कनेक्शन PC पे लगा हुआ है, और PC में हमारे पास OOILIBS सॉफ्टवेयर था, हमने वहाँ से ये ग्राफ जनरेट कर दिए. अब कंप्यूटर पे ही हमारे पास कमांड होती है कि आप दोबारा से क्या करें, इसको कमांड दें और वापस लेज़र लाइट जो है वो लेज़र पल्स चले. तो ये इसका सारा प्रोसेस है. अब हमने जो मार्बल्स यूज़ किए हैं वो कौन से यूज़ किए हैं, हम 4 मेंबर्स हैं जिस तरह मैंने पहले बताया, और हमने 4 मार्बल्स यूज़ किए हैं. मेरा जो काम है वो ZMA पर था, ज़ियारत फ्रॉम मोहम्मद एजेंसी, ठीक है. इसके अलावा मार्बल ब्लैक बुनेर हमने यूज़ किया है, सनी वाइट बुनेर यूज़ किया है, और सनी ग्रे बुनेर यूज़ किया है. अब ये लोकल मार्बल्स हैं बेसिकली, और जिस तरह मोहम्मद एजेंसी से हमने ज़ियारत लिया है, फिर बुनेर मुझे बता रही थी सीनियर कि ये कंपनी है कोई, लाइक ब्लैब है, ठीक है. तो ये मार्बल ब्लैक था, फिर सनी वाइट एंड सनी ग्रे, इस तरह ये इनके नाम्स हैं इस तरह ये इनके नेम्स हैं. और ये जो है लोकल मार्बल्स हैं, पाकिस्तान से ही लिए गए हैं, ठीक है. लोकल जगहों से लिए हैं, कोई बहुत लाइक एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत फेमस भी नहीं है. तो आप सिंपल किसी भी मार्बल पर काम कर सकते हैं. ये है जी स्पेक्ट्रम जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. ये स्पेक्ट्रम हमें रिसीव हुआ. अब हमने करना क्या था इसके साथ, हमें नहीं पता था हमने क्या करना है. तो हमने प्रोसेस सीखा कि हमने करना कैसे है, मैं बताती हूँ आपको. हमने बेसिकली ये करना है, ये आपको ग्राफ मिला है, ठीक है. आपने क्या करना है, इसको ओरिजिन सॉफ्टवेयर पर लेके जाना है और इसकी छोटी छोटी पीक्स को ना जूम इन करना है. हमने इसकी पीक्स को जूम इन किया और उसके बाद हमने इनको डॉट्स लगाए, और इनके डॉट्स पे हमने जब अपना ये कर्सर रखा तो यहाँ पे वैल्यू शो हो रही थी. एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है और वाई पे उसकी इंटेंसिटी है. फिर हम गए कुरकुस डेटाबेस में और हमने वहाँ पे जाके अपनी वेवलेंथ लिखी, ठीक है. और हमने एंटर मारा जब, तो उसने डिफरेंट एलिमेंट्स दे दिए जिनकी ये वेवलेंथ बन सकती थी, ठीक है. उसके बाद हम इसको दोबारा से NIST डेटाबेस पर लेके गए और वहाँ पे हमने एक छोटी सी रेंज लिखी, 315 से 316 तक की रेंज लिखी. छोटी लिखेंगे तो डेटा जल्दी होगा क्योंकि बहुत हैवी साइट है. फिर वहीं पे जाके हमने अपनी वैल्यू डाली और यहाँ से हमें पता लग गया कि ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स आ गए कि ये इसकी वैल्यू भी हो सकती, इसकी भी हो सकती, इसकी भी हो सकती, इसकी भी हो सकती, ठीक है. देखिए 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुकी हैं. अब हमें क्या पता हमने कौन सा एलिमेंट चूज करना है. हम तो कोई एक एलिमेंट ही चूज़ कर सकते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है. उसके लिए ये सारा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया. हमने NIST पे किया, हमने डेटा टाइप किया, एलिमेंट आ गया सारा, ठीक है.
तो एलिमेंट चूज किस तरीके से करना है हमने, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है, हमने देखना है कि किस एलिमेंट की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, फिर हमने देखना है कि एलिमेंट का नंबर देखना है। ये कुछ चीजें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इनकी बेस पे हमने एलिमेंट को चूज करना होता है, आप ऐसे देख के नहीं बता सकते। फिर इमिशन लाइंस, अब हमारे पास इमिशन लाइंस क्या होती हैं और करेक्टरिस्टिक लाइंस क्या होती हैं, दो किस्म की लाइंस होती हैं। इमिशन लाइंस जो हैं वो जब एटम्स जो हैं वो एक्साइट कर चुके होते हैं, ठीक है, जब एटम्स जब एलिमेंट्स जो हैं वो एक्साइट करके जाते हैं अपर स्टेट में, फिर वापस वो आते हैं किसी भी स्टेट में आए, तो उनकी जितनी भी लाइंस हमारे पास एमिट होती हैं उनको हम इमिशन लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब सिग्नेचर लाइंस सारी लाइंस हो सकती हैं, वो सारी लाइन वो किसी भी लोअर स्टेट में आए तो वो सिग्नेचर लाइन कहलाएगी, लेकिन ठीक है अगर उनकी लोअर एनर्जी स्टेट जीरो हो, यानी वो ग्राउंड स्टेट में आए, इसका मतलब कि वो करेक्टरिस्टिक लाइन है। हमने क्या चूज की, हमने करेक्टरिस्टिक लाइन चूज की, ठीक है। हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने पहले देखा प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, फिर हमने देखा कि इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, फिर हमने देखा कि वो करेक्टरिस्टिक लाइन बन रही है, और उसके अलावा हमने मल्टीपल रिसर्च पेपर्स पढ़े और वहां से हमने कंफर्म किया कि हाँ ये लाइन इसी एलिमेंट की है और हमने वही एलिमेंट चूज किया। तो ये अब उसके ग्राफ्स हैं, हमने जूम इन जब उसको किया तो हमारे पास ये छोटा सा ग्राफ आया, उसकी रेंज हमने 250 से 245 से 290 तक लिया, और ये हमने उसका एलिमेंट लिखा, वेवलेंथ लिखी और उसकी ट्रांजिशन लिखी, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे सिग्नल इंटेंसिटी होती है और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्बन आ रहा है, मैग्नीशियम 1 आ रहा है, मैग्नीशियम 2 आ रहा है, इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब की में आपको नजर आ गया होगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम हैवी एलिमेंट है, ठीक है। सेकेंड पे हमारी रेंज 310 से 400 तक थी, यहाँ पर आपको Ca1 काफी ज्यादा तादाद में नजर आएगा, कैल्शियम, क्योंकि जो हमारा मार्बल होता है ना वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, CaCO3 से, ठीक है, लाइमस्टोन उसके अंदर होता है काफी, तो आपको मोस्टली कैल्शियम नजर आएगा यहाँ पे। कैल्शियम 1 की भी लाइंस हैं और 2 की भी लाइंस हैं, ओके। और कैल्शियम 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, मैं बताती हूँ। देखिए जब कोई भी एटम एक्साइट करता है ना किसी स्टेट पे, ओके, और अगर हमारे पास न्यूट्रल, लेट्स से एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, जब वो एक्साइट करके वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, ठीक है, तो वो Ca1 की लाइन कंसिडर होगी। और अगर वो सिंगली आयनाइज है, लाइक लेट्स से कि वो उसमें से एक एटम, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया है, ठीक है, और हमारे पास कोई आयन एक्साइट कर रहा है, वापस डी एक्साइट कर रहा है, तो वो Ca2 होता है। अगर डबली आयनाइज्ड है, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो Ca3 आता, ओके। Ca3 वालों को हमने कंसीडर नहीं किया, 1 को मोस्टली कंसीडर करना होता है और 2 को भी कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से कि आपके पास Ca1 आ ही नहीं रहा और Ca2 की कोई लाइन आपको मिल गई, तो हम इस चीज, ये हो ही नहीं सकता। Ca1 जब तक नहीं आएगा ना, तब तक 2 नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रोमिनेंट पीक जो है वो Ca2 की मिली है 396.84 पर, और टॉक्सिक एलिमेंट हमें थोरियम मिला है। सिमिलरली अब आगे हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास थेलियम जो है वो टॉक्सिक एलिमेंट है और थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमने डिफरेंट उस ग्राफ को ना चंक्स में डिवाइड किया हुआ था, और हमने देखा है कि इसकी कौन सी पीक्स बन रही हैं। वैसे हमारा डाटा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हमने उसको थोड़ा श्रिंक किया है। अब ये हमारे पास 640 से 675 तक एक हमारे पास रेंज है, और इसमें यूरेनियम हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ गया। देखिए यहाँ पे एक हैवी एलिमेंट भी है, ओके, और कैडमियम टॉक्सिक एलिमेंट है। इसके अलावा ये लास्ट है बस इसका, इसमें हमारे पास 780 तक रेंज है। मैंने आपको बताया था वेवलेंथ जो है ना 200 से 800 तक लाइक कर रही होती है। अब यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव, हमें पता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन की भी कुछ अमाउंट आई है। अब ऑक्सीजन क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन या तो एयर में प्रेजेंट हो सकता है, या तो ये सॉल्ट के अंदर भी, मार्बल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। और यहाँ पे जो प्रोमिनेंट पीक है ना, यानी जो बहुत लंबी बहुत ऊंची पीक है, वो इसकी आ रही है 732.61 पर। अब ये दूसरा ग्राफ है, इसमें मेरी फ्रेंड ने काम किया था, सनी वाइट बुनेर, इसमें भी देखें रेंज 200 से 800 तक इसकी रेंज है। इसमें भी हमारे पास कैल्शियम 1, 2 और मैग्नीशियम की काफ़ी पीक्स आ रही हैं। यहाँ पर भी कैल्शियम 1 और कैल्शियम 2 की पीक्स आ रही हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, देखें
ये थेलियम टॉक्सिक है, थोरियम यहाँ पे रेडियो एक्टिव होता है, सॉरी मैंने गलती से ये रेड कर दिया है, लिथियम एक लाइट एलिमेंट है हमारे पास और थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। ऑक्सीजन की काफ़ी दोनों पीक्स आ रही हैं एंड पर, हमारे पास 777.53 एंड 777.19 पर पीक्स आ रही हैं इसकी। अब ये मार्बल ब्लैक बोनेर है और यहाँ पर इसकी कैल्शियम 2 की प्रोमिनेंट है और बाकी हैवी हैं। सिमिलरली ये है, ये है। अच्छा अब ये हमारे पास इस तरह के दो और एलिमेंट्स, दो और ग्राफ हैं, जिस तरह मार्बल ब्लैक बोनेर और सरीग्रे बोनेर पे भी हमने काम किया है, तो ये बेसिकली इसके थे। अब बाकी सारे ग्राफ्स इसी तरीके से हैं, मोस्टली हमारी वैल्यूज भी सेम हो रही थी इसलिए हमें मैच करना बहुत ईजी हो गया। अब हम आते हैं इसके रिजल्ट्स की तरफ, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, हमने क्या इस चीज़ से आइडेंटिफाई किया, इसके रिजल्ट्स क्या थे। देखिए सबसे पहले तो ये कि थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, हमने एनडी एग लेजर लाइट यूज़ की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, और उसकी 1064 नैनोमीटर वेवलेंथ स्टार्ट की है, यूज़ की है ना, हमने सेकंड हार्मोनिक लगाया ना थर्ड हार्मोनिक लगाया, ठीक है। मार्बल जो हमने यूज़ किया वो ZMA, SGB, SWB एंड MBB, उसका हमें स्पेक्ट्रम मिला NIST और क्रिकस से जाके, हमने उसको क्या किया कंपेयर किया, ठीक है, और देखा कि हमारे एलिमेंट की जो स्पेसिफिक लाइन थी, स्पेसिफिक पीक, वो हमें किस एलिमेंट के बारे में बता रही है। फिर हमने प्रोमिनेंट पीक्स को देखा कि कैल्शियम 1-2 और मैग्नीशियम 1-2 की प्रोमिनेंट पीक्स आ रही थी, ठीक है। उसमें से हमने टॉक्सिक एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए कि कैडमियम 1, थेलियम हमारे पास टॉक्सिक है एंड समेरियम हमारे पास टॉक्सिक है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमने देखे, ये हैवी एलिमेंट भी हैं, यूरेनियम और थोरियम हमारे पास इसके जो है वो हैवी एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई करने का क्या फ़ायदा हुआ हमें, देखिए लेट से कि कोई बंदा कहता है कि मैंने मार्बल से ना वो बनाना है, प्लेटें बनानी है, ओके, और वो आइडेंटिफाई ना करे कि उस मार्बल के अंदर कोई टॉक्सिक एलिमेंट तो नहीं मौजूद, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो नहीं मौजूद, तो वो बना दे उसमें, अब लोग खाना शाना बना रहे हैं उसके अंदर और सारा गाँव जो है ना जिन्होंने उससे लिए थे मार्बल के वो लिए थे, कटोरियाँ ली थी, बर्तन लिए थे, उनकी डेथ हो जाए, तो बाद में साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करेंगे हो इसके अंदर तो टॉक्सिक एलिमेंट था। तो बेटर है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करने लगी हैं, ठीक है, आप उसके अंदर आइडेंटिफाई कर लें कि टॉक्सिक या रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो नहीं है, ठीक है। और इससे हमें ये भी पता लगा, इससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, ठीक है, और उसके अंदर कैल्शियम 1 और कैल्शियम 2 ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये अपना प्रोजेक्ट करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया हुआ लिप्स के बारे में कि लिप्स क्या टेक्निक है और लिप्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। बस थैंक यू सो मच, अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है, हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, तो काइंडली गिव इट अ बिग थम्स अप और मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि आप लोगों का प्रोजेक्ट कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस हुआ, कमेंट लाजमी करें ताकि मेरी भी मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों की भी राय पता लगे, और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। Till then, Allah Hafiz.